Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. YouTube पर Tag TV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग जमाना हो, Tag TV अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। Tag TV को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। लद्दाख में गैलवान वैली पर चाइना का भारत की आर्मी पर एक ब्रूटल और कॉवर्ड अटैक। ये तय था दोनों मुल्कों में कि किसी किस्म का हमला नहीं होगा जब तक आपस में बातचीत ना हो, और जो कल अटैक किया चाइना ने वो एक बहुत ही ब्रूटल और कॉवर्ड एक्ट था, जिसमें सबसे पहले जो इतला आई उसमें भारत के एक कर्नल और नौजवान शहीद हुए और बाद में वो तादाद 20 तक गई। चाइना से हमें क्या इतला मिलती है इसकी कोई खबर नहीं। पूरी दुनिया में ये खबर गूंज गई कि क्या अब वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी है और भारत अब किस तरह एक्शन लेगा। भारत ने फौरी तौर पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कॉल कर ली, जो फ्राइडे को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रिक्वेस्ट पर। और मेरे साथ इस वक्त जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट और बीजेपी पार्टी मध्य प्रदेश के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर गुलरेज शेख जी वीडियो लिंक पर जुड़े हुए हैं, जो चाइना के इशू पर बहुत ही गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर थी, चाइना का जो कोविड अटैक था और जो ब्रूटल अटैक था, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इन्होंने धोखा किया। पहले तो जो हमारे फौजी गए थे उनको एक तरह से रात के अंधेरे में इन्होंने मारा है, और लेकिन भारतीय जवान थे और उन्होंने भी बिल्कुल उसी प्रकार से उनको हिटबैक किया है। अब थोड़ा सा आप उस एरिया को समझिए कि वहां पर बहुत सकड़ी एरिया है मूव करने के लिए, पथरीला एरिया है, उसके नीचे रिवर है, मतलब एक तरह से खाई है और खाई के उधर रिवर आती है, तो उसमें जो बहुत सारी कैजुअल्टीज हुई होंगी वह गिरने से भी दोनों तरफ की हुई है। प्लस इन लोगों ने अटैक भी किया। अटैक काय से किया इन्होंने? जो डंडों से किया, रॉड से किया, और उसके ऊपर इन्होंने वायर बांध रखे थे, मतलब ये लोग तैयारी से थे, तो बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड करके इन्होंने अटैक किया और बुजदिलाना रूप से अटैक किया। और अब ये घबरा रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो यह है कि लगभग इनके 40 से ज्यादा चीनी फौजी मारे गए हैं और ये लोग डिस्क्लोज तक नहीं कर पा रहे, नंबर्स को छुपा रहे हैं अपनी जनता से भी और दुनिया से भी, क्योंकि ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे। देखिए, भारत तो बड़ा स्पष्ट है, हमारी जब भी कैजुअल्टी होती है, चाहे हमारी आर्मी की हो, एयरफोर्स की हो, हम स्पष्ट बताते हैं कि कितने नंबर्स कैजुअल्टी के हुए हैं। हम कॉफिन्स को छुपाते नहीं, बल्कि उनको सेल्यूट करते हैं तिरंगा बांधकर। अब आज जो हमारे विदेश मंत्री की और चाइना के विदेश मंत्री की बात हुई, उसमें हमारे विदेश मंत्री ने बड़ा स्पष्टता बताया है उनको कि आप लोगों ने किस प्रकार से बुजदिलाना कार्रवाई की है। लेकिन मैं थोड़ा सा टाइमलाइंस पे जाऊंगा। जी जी, बात होने से पहले आप देखिए, ग्लोबल टाइम्स ने, जो कि एक तरह से माउथ ऑर्गन है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, उसने ट्वीट करता है, वो ट्वीट करके क्या लिखते हैं, चाइना एंड इंडिया आर इन क्लोज कम्युनिकेशन ऑन रिजॉल्विंग रिलेवेंट इश्यूज थ्रू बोथ डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री चैनल्स। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर सेड ऑन रीसेंट बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। तो यह बात उन्होंने कब कही? बातचीत होने के कई घंटे पहले उनका ग्लोबल टाइम्स का ट्वीट आता है। फिर उन्होंने ये भी, इनके जो एडिटर्स हैं और इनके जो मीडिया कर्मी हैं, वो मीडिया कर्मी क्या कम्युनिस्ट ही हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के आप कह सकते हैं कि अधिकारी हैं, उन्होंने तो यहां तक ये कहा कि भारत को बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि जिसको घमंड के साथ पेश आना, उस तरह से पेश नहीं आए। तो आप मुझे बताएं कि घमंड के साथ कौन पेश आता है, जो पिटता है या जो पीटता है? तो यह बात भी बिटवीन द लाइन समझने की है। फिर इनका एक और ट्वीट जो था,
वह बिटवीन द लाइन्स समझे इसको, ये इन्होंने ग्लोबल टाइम्स में किया, इसमें ये लिखते हैं शंघाईज इंडियन रेस्टोरेंट्स कंटिन्यू टू सर्व कस्टमर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, मल्टीकल्चरल कस्टमर्स एंजॉयिंग द लंच इन टू इंडियन रेस्टोरेंट्स इन डाउनटाउन शंघाई वेडनेसडे विद इंडियन शेफ सीन प्रिपेयरिंग डेलीशियस मील्स इन किचन। इसका मतलब क्या हुआ बिटवीन द लाइन्स, आप ये समझिए कि चाइना नहीं चाहता कि भारत को उकसाए, क्योंकि जो इन्होंने कल कार्रवाई की उसके बाद जिस प्रकार से भारत ने इनको जवाब दिया है, तो उसके बाद ये अब थोड़ा सा जिसको कहते हैं आग पर पानी डालने का कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स के ये वेरीफाइड अकाउंट का ट्वीट है, तो अब चाइना को लग रहा है। प्लस जो मैं आपको नंबर्स कह रहा हूं, आप बोल सकते हैं कि आप भारत, आप तो पेट्रियोटिक इंडियन हैं, तो आप ज्यादा बड़ा का नंबर बोल रहे होंगे कि हमने 43 इनके मार गिराए। अब मैं आता हूं इसके ऊपर जो आज खबर दी है यूएस न्यूज ने, वो यूएस न्यूज तो बहुत मान्य है क्योंकि 70 साल से ज्यादा पुरानी न्यूज एजेंसी है, उसकी खुद की एक प्रतिष्ठा है। वह कहते हैं कि 35 चाइनीज को मारा है इंडियन ट्रूप्स ने, और इसमें ऑफिसर्स भी सम्मिलित है। एक ऑफिसर हमारा शहीद हुआ, एक ऑफिसर उनका मारा गया है। हमारे जो 19 जवान शहीद हुए हैं वो उनके 35 हमने मारे हैं, ये हमने ही कह रहे हैं, ये यूएस न्यूज कह रही है। और वो कह रहे हैं किसके हवाले से, यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स के माध्यम से। तो चाइना की स्थिति जो है ना, हाँ जो मैं वर्ड कह रहा था, इन्होंने जो लिखा है द एरोगेंस एंड रेकलेसनेस ऑफ इंडियन साइड इज मेन रीजन फॉर द टेंशन, ये ग्लोबल टाइम्स कह रहा है। तो आप मुझे बताइए ताहिर साहब, एरोगेंस कौन होता है? एरोगेंट तो वही होता है ना कि जो डोमिनेट करे, जो पीट कर आएगा वही तो एरोगेंट होगा ना, कि जो पिटेगा वो तो हाथ जोड़ के बात करेगा, जिस प्रकार की बातें ये लोग कर रहे हैं। तो इन्होंने एक तरह से शेर के मुंह में हाथ तो डाला है, और भारत की सरकार ने अपनी सेना को स्वतंत्रता दी है, जो निर्णय लेना हो ले। हमारे जवान जो है पिटने के लिए नहीं है, हम बिना हथियार लेकर गए थे क्योंकि हमारी ट्रीटी जो चीन के साथ है इन एरियाज के लिए, कि जब भी गश्त होगी तो दोनों साइड बिना हथियार के जाएंगे। हमने उस ट्रीटी का उल्लंघन नहीं किया, ट्रीटी का पालन किया, और बदले में इन्होंने हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। डॉक्टर साहब देखिए, बात यह है कि ये जो नंबर्स की बात है कि भारत की तरफ से नंबर क्लियर है कि अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है 20 ऑफिसर और नौजवान शहीद हुए हैं, और उधर से कोई नंबर कंफर्म नहीं है। नंबर अपनी जगह पे, यहाँ कुछ स्कोरिंग का मामला भी नहीं है, मसला चाइना के इस एक ब्रूटल और कॉवर्ड एक्ट का है। भारत में बहुत ही गुस्सा इस वक्त है, इस वक्त भारत में चीन के पुतले जलाए जा रहे हैं, उनकी लीडरशिप के बारे में बहुत ही एक एंगर पाया जाता है, और इस सारी सूरत हाल में अब चाइना की जो कोशिश है, जो मैं भी देख रहा हूँ, आप भी उनके अखबारात को कोट कर रहे हैं, चाइना की ये कोशिश है बताया जाए कि चीनी हिंदी भाई भाई वाली बात अब वो कर रहे हैं। सिर्फ इस बात से नहीं कि वो चीन के साथ अच्छा संबंध चाहते हैं, उनको ये पता है कि चीन को ये पता है कि भारत के साथ अच्छा संबंध ही नहीं चाहिए, बल्कि भारत उनका एक ऐसा मजबूत नेबर है जिसके इंटरनेशनल स्ट्रेटजिक अलायंस हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, और इसके साथ साथ उनका ट्रेड है भारत के साथ, और भारत को वो कैसे गंवा सकते हैं, भारत के साथ किस तरह वो इतना बड़ा मैस कर सकते हैं। और क्या ये सारा अनजाने में आपको लगता है हुआ है, वहाँ पे कोई ऐसी फोर्सेस हैं PLA की जिनसे ये गलती में हुआ, या ये पीछे से आपको लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी की कोई हदायत थी कि आपने ये एक ब्रूटल और कॉवर्ड एक्ट करना है? नहीं देखिए, मैं वहां तक नहीं जाऊंगा कि कोई हिदायत थी कम्युनिस्ट पार्टी की, लेकिन इसमें पॉलिटिकल एंगल को हम इसलिए नहीं मिस करेंगे क्योंकि वहां पर जो सिस्टम है कि जिसमें शी जिनपिंग जो सुप्रीम कमांडर है एक तरह से पीपल्स लिबरेशन आर्मी के, वो कोई भी उनकी आउटपोस्ट होती है वहां दो अधिकारी होते हैं हमेशा, ये उनका तरीका है। और एक अधिकारी तो जो होता है वो सैन्य अधिकारी होता है, और दूसरा वहां पर
पॉलिटिकल ऑफिसर होता है, यहां तक कि जो अधिकारियों के प्रमोशंस की, सैन्य अधिकारियों के प्रमोशंस का जो सीवी बन के जाता है ऊपर, उसमें भी 50% जो रोल होता है वो सेना वालों का होता है, सैन्य अधिकारी का होता है, और 50% जो होता है वो पॉलिटिकल ऑफिसर डेप्यूटेटेड बाय द कम्युनिस्ट चाइना चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो पॉलिटिकल ऑफिसर बैठता है 50% सीवी वह लिखता है। तो आप पीएलए को और कम्युनिस्ट पार्टी को, दोनों को अलग अलग यूनिट चाइना के में के संदर्भ में मान ही नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है। लेकिन मैं अभी इस स्थिति में वहां तक के नहीं जाऊंगा कि वो सुप्रीम लेवल पर से आया है आदेश, वहां तक जाने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ पॉलिटिकल एलिमेंट को आप उसमें इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मुझे एक चीज, जितना मैं चाइना को समझ रहा हूं, मुझे लगता है कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें बहुत कुछ इंटरनल टर्मोइल चल रहा है, और विशेषकर शी जिनपिंग जिस प्रकार से कोरोना वायरस को उन्होंने हैंडल किया, जिस प्रकार से उनकी इकोनॉमी खराब हो रही है, जिस प्रकार से नंबर्स को छुपाए और लोगों को जो उनके लास्ट राइट्स होते हैं, जो लोग कोरोना से मरे उनके लास्ट राइट भी ढंग से नहीं हो पाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वहां पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उस पर बहुत ज्यादा टर्मोइल चल रहा है, और खुद की कुर्सी को बचाने के लिए शी जिनपिंग एक, जिसको कहते हैं, नेशनलिस्टिक वैगन पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस प्रकार का एग्रेशन चाइना दिखा रहा है, और जिस प्रकार का एटीट्यूड जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं है बल्कि इंटरनेशनली कंडमेबल है, वह कर रहे हैं, जो कि बूमरैंग होगा चाइना के ऊपर, वो बूमरैंग होना शुरू हुआ है। मैं कैसे बता रहा हूं आपको, देखिए आज ही सीएनएन का न्यूज आया है, CNN कहता है कि 3 US नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर पेट्रोलिंग द पैसिफिक ओशन एट द सेम टाइम एंड चाइना इज नॉट हैप्पी। अब इसको ये, इसमें मुझे लगता है कि ये कौन से होंगे वेसल्स, मुझे लगता है ये यूएसएस थ्रोवेल्ट रसलवेट होगा एक, दूसरा मुझे लगता है निमिटिस होगा, और तीसरा यूएसएस रोनाल्ड रेगन होगा। तो इसको आप समझिए कि ये क्यों आए हैं, ये जाएंगे उसके वेस्टर्न कोस्ट पर, और जब वेस्टर्न कोस्ट पर जाने का मतलब यह है कि उनकी वायुसेना विशेषकर जो है उसको चाइना को कंपेल किया जाए कि अपनी वायुसेना को वेस्टर्न फ्रंट पे लाए ईस्टर्न फ्रंट से, तो दुनिया एक्ट कर रही है और नजर रखकर बैठी है, तो दिस इज अ वार्निंग फॉर देम। और एक और मैसेज जो दे रहा है इससे अमेरिका, अब आप इसको जियोपॉलिटिकल रूप में समझे, यूएस कैरियर्स को भेजने का मतलब यह है कि यूएस कैरियर्स रूल इंडो पैसिफिक। दूसरी चीज, चाइना की बौखलाहट आप समझें, क्योंकि चाइना के पास सबसे बड़ी जो समस्या है कि उसका 90% ट्रेड जाता है, वह जाता है मलक्का स्ट्रेट से। अब मलक्का स्ट्रेट को आप देखिए कि मलक्का स्ट्रेट जो हमारा निकोबार आइलैंड का जो लास्ट पॉइंट है, जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, कुछ ही नॉटिकल माइल्स पर है इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया के इनसे बहुत खराब संबंध चल रहे हैं, इन्होंने कुछ दिन पहले इंडोनेशिया की एक शिप पे भी इन्होंने अटैक किया था, तो वहां पर भी प्रॉब्लम है। अगर भारत से ज्यादा परेशानी बढ़ती है तो एक तरफ से ऑस्ट्रेलियन नेवी क्वाड, क्योंकि क्वाड काफी सक्रिय हो चुका है आज के समय में, तो क्वाड के माध्यम से जापानीज नेवी एक तरफ से और ऑस्ट्रेलियन नेवी, और दूसरी तरफ से हमारा, चूंकि वो खुद आइलैंड कुछ ही नॉटिकल माइल्स पर है, तो वहां से हम ब्लॉकेज कर देंगे तो 90% जो ट्रेड है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का वह तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये इनकी हिम्मत नहीं है कि हमसे लड़े। ये बिल्कुल सिचुएशन बहुत क्लियर है कि वेस्टर्न एलाइज भी भारत के साथ ही जाएंगे, और जो वहाँ पे रीजनल प्लेयर्स हैं जैसे जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, मलाइशिया है, इवन ताइवान, वो सब भी चाइना की इस हरकत को ना सिर्फ कंडेम करेंगे, चाइना के फर्दर किसी एक्शन को कोई भी पसंद नहीं करेगा। और चाइना भी अब ये कोशिश कर रहा है, जैसा कि आपने कहा कि वो रेस्टोरेंट्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जी वो जो इंडियन रेस्टोरेंट्स इन बीजिंग हैं वहाँ पर भी लोग जा रहे हैं। क्या चाइना से ये जो मैस है, क्या उसकी एक वजह कोरोना वायरस की मिसहैंडलिंग जो है और चाइना पर जो दुनिया का एक गुस्सा है उसकी कोई डिस्ट्रैक्शन में है, या ये मैस जो है भारत के साथ उन्होंने किया है, ये मैस के ऊपर एक मैस है, क्या आप समझते हैं? नहीं, ये मैस के ऊपर मैस नहीं है, आप ये समझिए कुछ ना कुछ हद तक चाइना कामयाब भी हुआ है। आप देखिए पिछले 3-4 दिन से जो इंटरनेशनल न्यूज कवरेज जा रहा है वो कोरोना वायरस
एंड चाइना का नहीं जा रहा है, अब वो जा रहा है कि चाइना जो भारत के साथ जो हॉट टेम्पर्स चल रहे हैं और जो स्थिति बनी हुई उस पर जा रहा है। तो डेफिनेटली एक संदर्भ इसका यह भी है कि किसी तरह से चीजों को डाइवर्ट किया जाए। और लेकिन इसमें इसने भारत का क्वेड का एक फायदा कर दिया। कैसे फायदा किया? जियोपॉलिटिकल टर्म्स में बताऊं मैं आपको कि इन्होंने अपने जो पपी गवर्नमेंट है, मैं पपेट नहीं बोलता, पपी गवर्नमेंट है नॉर्थ कोरिया की, चाइना की, उसने अभी डिमोलिश किया इंटर कोरियन जो लायजन ऑफिस था जो कि बिल्कुल बॉर्डर पर है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की। तो उसको जो इन्होंने डिमोलिश किया है उसने साउथ कोरिया को भी अब प्रमोट करेगा वह कि वो क्वाड को ज्वाइन कर ले। मैं काफी लंबे समय से अपने आर्टिकल्स में लिखता आया हूं कि साउथ कोरिया को हमको क्वाड में मिलाना होगा, और अब यह स्थिति खुद चाइना बना रहा है कि जिस तरह से उन्होंने तोपों से उड़ाया है उस ऑफिस को जो कि साउथ कोरिया ने बनाया था, तो यह दिखाता है कि अब वो साउथ के ऊपर भी परेशानी आ रही है। तो यदि इस पर, और चाइनीज हेजोमनी को कोई पसंद नहीं करता है क्योंकि चाइनीज हेजोमनी बेसिकली किसी भी इंटरनेशनल लॉ को अबाइड नहीं करती, चाहे वो वाटर्स का लॉ हो, चाहे वो नदियों का लॉ हो, चाहे वो डैम्स बनाकर दूसरों का पानी रोकने का लॉ हो, तो उन सबको किसी को फॉलो नहीं करती। अभी मैं हम ऑन अ लेटर डे वी विल टॉक अबाउट कि किस प्रकार से 8 कंट्रीज जो हैं उनमें से प्रमुखता से जो चाइना के अगेंस्ट हैं, चाइना को पसंद नहीं करती, उन कंट्रीज को वो पानी के लिए थर्स्टी करने की कगार पर पहुंच गया है। तो ये एक अलायंस जो बन रहा है वो चाइना को घेर लेगा। ये जो स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स कहते हैं ना, अब उसका दूसरी चीज आ रही है, ये आ रही है गार्लैंडिंग चाइना की, सब तरफ से गार्लैंड बना दो चाइना को, चाइना घेरा जाएगा। उस स्थिति पर अब स्थिति आगे बढ़ने लग गई है। देखिए बात यह है कि चाइना को इसकी भारी कीमत तो चुकाना पड़ेगी, ये बात तो तय है, इंटरनेशनल लेवल पर भी और अपने अंदर जो उनके इंटरनल इश्यूज हैं उन पर भी। आपने अभी ज़िक्र किया, हमने भी वो बात रिपीट की कि अब चाइना एक तरह से दोस्ती की बात भी साथ साथ कर रहा है, मिक्स मैसेजेस दे रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। कि जी ये जो भारतीय रेस्टोरेंट इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं वो तो बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, चाइनीज वहाँ जा रहे हैं, वही हिंदी बाई बाई की जो बात है अब वहाँ से करने की कोशिश हो रही है। इधर भारत में पुतले जलाए जा रहे हैं, चीन के फ्लैग जलाए जा रहे हैं, बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट की ना सिर्फ भारत में बात हो रही है, भारतीय डायस्पोरा कैनेडा अमेरिका पूरी दुनिया में ये व्हाट्सएप प्रोग्राम मैसेजेस भेज रहा है। इस सारी सिचुएशन में जो हमारे बॉलीवुड की इंडस्ट्री है वो एक बड़ी आइकॉनिक इंडस्ट्री है, उनका बहुत सारा बिजनेस चाइना में होता है और बड़े बड़े स्टार्स हैं जो चाइना में भारत की तरह जाने जाते हैं, माने जाते हैं, क्या उनकी तरफ से कोई कंडेमनेशन आएगी या वो सिर्फ कारोबार पर ही अपनी तवज्जो देंगे कि वो सिर्फ हीरो बने रहे चीन में और अब वो देश के साथ खड़े ना हो? ये एक इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि जो गुस्सा है भारत में भारतीयों का, क्या वो उसके साथ शामिल होंगे? आपको क्या लगता है? आज शायद कुछ बयान अमिताभ बच्चन जी का आया, हालांकि मैं ये जितने भी सिने स्टार्स हैं इन पे ज्यादा तवज्जो देता नहीं, इसलिए मैं बहुत सही व्यक्ति नहीं हूं इनके विषय में चर्चा करने के लिए। लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूं आपको, इफ इट कम्स ऑन अवर नेशनल प्राइड वी आर रेडी टू क्रॉस द रूबिकॉन। ये चलिए अच्छी बात है कि अगर ये आने वाले दिन बताएंगे कि ये कितना डटते हैं चाइना के ख़िलाफ़, चूँकि ये इम्पॉर्टेंट हैं इसलिए ये पब्लिक फिगर्स हैं और जो इस वक्त एंगर है भारतीयों का वो बड़ा ही जायज़ है। ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कॉल की है फ्राइडे को जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें आप क्या तवक्को करते हैं? चूँकि कांग्रेस ने तो इमीडिएटली प्रियंका हो या राहुल हो, उन्होंने तो इमीडिएटली साइलेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर पर क्वेश्चनिंग की, हालांकि वो चीज़ों को ज़रा समझ दे रहे हैं और जानना चाह रहे थे कि अब किस तरह इस पर रिटेलिएट करें। तो अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, भारत की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने बात करना शुरू कर दी, तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से? अब कांग्रेस अपनी पोलिटिसाइजेशन छोड़ेगी और ये इस बड़े मुद्दे पर साथ आएगी, या वही एक पॉलिटिकल मंत्रा ही उनका नैरेटिव ही अपना चलता रहेगा? ताहिर जी, मैं अभी तक तो आपसे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं अपनी पार्टी की विचारधारा रखूंगा।
हमारी पार्टी की विचार है और हम मानते हैं इस चीज को कि जब राष्ट्रहित की बात आती है तो भारत में दल दला दली को हम छोड़ देते हैं और हम एक हो जाते हैं। यही मुझे अपेक्षा है विपक्ष से भी कि परसों जो बैठक होगी उसमें विपक्ष पूरी तरह से सरकार के साथ है और साथ रहेगा, ऐसी अपेक्षा। देखिए मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण दूं इसका, जब 1962 में चीन ने हम पर अटैक किया था तो उस समय जो डीएमके पार्टी के अन्नादुराई हुआ करते थे तमिलनाडु में, और अन्नादुराई द्रविड मूवमेंट चलाते थे, कई बार ऐसी बातें करते थे कि जो एक सेपरेटिस्ट की जुबान हम बोल सकते हैं, मैं वहां तक नहीं जा रहा, लेकिन उनकी जो बातें थी वो मेन स्ट्रीम बातें नहीं, उसके विपरीत जाती थी बिल्कुल। लेकिन जब चाइना ने अटैक किया भारत के ऊपर तो उन्होंने ये कहा था अपने भाषण में कि हिमालय पर हमला मतलब मद्रास पे हमला है। तो ये जो है ना भारत का सेंटीमेंट, ये अंदर से जो खून में है वो गूंजता है। तो मुझे लगता है कि चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी हो, ये सब एक साथ आएंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है। अब मैं आना चाहता हूं लेफ्ट की उन ताकतों की तरफ जो अब इतनी वाइब्रेंट नहीं रही जैसा कि वो कुछ डिकेड्स पहले भारत में हुआ करती थी, यानी प्रो माओ या ये जो लेफ्टिस्ट हैं आज के भी जो फैशनी लेफ्टिस्ट हैं वो चीन को एक तरह से आइडियलाइज करते हैं भारत में और प्रेज करते हैं, उन ताकतों का या उन इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स का जर्नलिस्ट का क्या रवैया आप एंटिसिपेट करते हैं? देखिए अभी तो मैं कुछ सुन नहीं रहा इन लोगों की तरफ से, और आगे ये परसों की मीटिंग में ये लोग क्या करेंगे 19 तारीख की, इस पर मैं कमेंट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपने प्रांत का स्पोक्स पर्सन हूँ बीजेपी का, मैं इनसे भी अपेक्षा ये रखता हूँ कि ये देश के साथ खड़े रहेंगे। चलिए आपकी जो तमन्ना है कि वो देश के साथ खड़े रहें, खड़े रहना भी चाहिए। आखिर में मैं दोनों हैसियतों में यानी जियो पोलिटिकल एनालिसिस और बीजेपी मध्य प्रदेश के स्पोक्स पर्सन की हैसियत से, बीजेपी में एक बहुत ही एक्टिव कारकुन की हैसियत से आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आगे होगा क्या, इस सारे सागा को आप आगे किस तरह जाते देख रहे हैं भारतीय सरकार की तरफ से भी और एक जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के रूप में भी। देखिए पहले मैं भारतीय सरकार की तरफ से बात करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारे जवानों का बलिदान जो है वह इनवेन नहीं जाएगा, वह हम उसको उनको सलाम करते हैं। तो मैसेज इज वेरी स्ट्रांग एंड क्लियर, और बड़ा स्पष्ट बात है कि हमारी जमीन पे जो ये चीनी आए हैं या तो ये खुद चले जाएं, प्यार से जाएं, इज्जत के साथ जाएं, वरना खदेड़ दिए जाएंगे। बड़ा खुल के बोल रहा हूं मैं, और बतौर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कह रहा हूं। अब आप पूछ रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल, तो जियोपॉलिटिकल में चाइना की स्थिति वह नहीं है कि वह इसको एक जंग के रूप में ले जाए और एग्रीवेट करे, क्योंकि यदि वह करता है तो साउथ चाइना सी जो है वह तो पूरी तरह से थिएटर ऑफ वॉर बन जाएगा। उसमें पूरे के पूरी जो वेस्टर्न लॉबी है, जो अमेरिकन कैंप है, वह पूरा आ जाएगा, तो ये चाइना के इंटरेस्ट में भी नहीं है। फिर ताइवान का फैक्टर आप मत भूलें कि ताइवान में भी यूएस प्रेजेंस है, और चाइना के लिए स्थिति खराब हो जाएगी, चाइना खुद भी नहीं चाहेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं जिस प्रकार के ग्लोबल टाइम्स के ट्वीट्स आ रहे हैं, जो कोजी कोजी ट्वीट्स आ रहे हैं, फ्रेंडली वाले ट्वीट्स आ रहे हैं। आप बताइए ताहिर साहब, आपके स्टूडियो में कल से कोई आकर बैठ जाए तो क्या आप उसके लिए ट्वीट करेंगे कि सपोज, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं कंट्री का नाम नहीं लूंगा क्योंकि कंट्री का नाम लेना गलत हो जाएगा, कोई भी कंट्री का व्यक्ति, कोई दूसरे कंट्री का व्यक्ति आपके घर में आपके स्टूडियो में आके जम जाए और आप उसको भगा रहे हैं, तो फिर आप उस क्या ऐसा ट्वीट करेंगे कि आज मैंने उस कंट्री का बहुत अच्छा खाना खाया? नहीं कर सकते ना आप। तो ये क्यों हो रहा है आप समझिए उसको, क्योंकि चाइना नहीं चाहता एग्रीवेट करना भारत के साथ, तो उसको भी पता है कि भारत क्या कर सकता है। देखिए 62 में जो हुआ था वो अनप्रिपेयर्डनेस की वजह से हुआ था, लेकिन आप यह भी मत भूलिए कि 1967 में नथुला पर जब इन्होंने अटैक किया था तो लगभग हमारे 67 जवान शहीद हुए थे और उन्होंने 400 चाइनीज को मार गिराया था।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलरेज शेख भाई, हम आपको इन दिनों ख़ास तौर पर चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, भारत और चाइना की ये जो बढ़ती टेंशन है ये अब किस तरफ जाती है, इस कॉन्टेक्स्ट में आपकी राय लेते रहेंगे, क्योंकि आप ना सिर्फ लेट मी टेल वन मोर थिंग जी, और मैं सारे भारतीयों से ही नहीं दूसरे देशों के लोगों से भी जो डायस्पोरा है, एंड आई विल टेल दिस इन इंग्लिश सो दैट इवन योर वेस्टर्न ऑडियंस कैन गेट द लेसन दैट वी गाइज नीड टू अंडरस्टैंड चाइना, इट्स कल्चर, इट्स पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड इट्स सोसाइटी. आई हैव स्टार्टेड हार्वर्ड ऑनलाइन लेसन्स, आई एम टेकिंग हार्वर्ड ऑनलाइन लेसन्स ऑन चाइनीज कल्चर, लिटरेचर, economics and society, and others should also do the same, because if you don't understand the dragon, then you can't attack it. I'm not talking attacking in real terms, but you have to counter the dragon when it is opening its mouth with fire. Thank you very much Dr. Gulrez Sheikh bhai, aapki raaye ka bahut shukriya. Viewers, jaisa ki aap sab jante hain कि यहाँ पर हम रहते हुए जब डिफरेंट डायस्पोरा को देखते हैं तो चाइनीज़ हो, रशियन हो, सबकी एक अपनी अहमियत होती है, सब बतौर इंसान अच्छे होते हैं. जब ड्रैगन की बात होती है, जो बात कर रहे हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, जिसकी वजह से खुद चाइनीज़ लोग सफरर हैं, जिसकी वजह से चाइनीज़ लोगों को डेमोक्रेसी का जो फ्रूट है वो नहीं मिल रहा, चाइनीज़ लोग सप्रेस्ड हैं, और यही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, इन्होंने कोरोना वायरस के बारे में झूठ बोला, लाखों लोग अब तक मर चुके हैं, और यही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अब इस ब्रूटल और कोविड अटैक जो उन्होंने इंडियन आर्मी पर लद्दाख में किया है, इसके पीछे है. और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि पूरी दुनिया ना सिर्फ इसको कंडेम करेगी बल्कि एक्शन भी लेगी, और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि दुनिया में इस तरह अपनी एक्सपेंशनिज्म के एम्बिशंस को आगे लेकर नहीं जाया जा सकता. डॉक्टर गुलरेज शेख और ताहिर गोरा के साथ बिला तकल्लुफ तजिया देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया. सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन. यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए. किसी किस्म का चैलेंजिंग ज़माना हो, टैग टीवी अपने व्यूज़ और न्यूज़ लाने में देर नहीं करता. आपका तावन भी हमें चाहिए. टैग टीवी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे.